नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। समग्र शिक्षा अभियान के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में मूक बधिर बच्चों को सहायक करण किया गया। इसी मौके पर भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य गौरव गौतम, जिला परियोजना अधिकारी रमेश चंद्र शर्मा, जिला उप शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बैगल भी मौजूद थे। सहायक परियोजना अधिकारी हुकुम चंद ने बताया कि सामग्री शिक्षा अभियान के तहत पलवल जिले के लगभग 88 मूक बधिर बच्चों को सहायक उपकरण वितरित किया गया। सहायक उपकरणों में टाई, साइकिल, व्हील चेयर, मैजिक ट्रिक, सुनने की मशीन आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे किसी न किसी कारणवश विकलांगता से प्रभावित हैं, उन बच्चों को सहायक उपकरण देकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। सहायक उपकरणों के माध्यम से मूक बधिर बच्चे दैनिक जीवन के कार्य कर सकते हैं। उनके मन में ऐसी भावनाओं का समावेश करना है कि वो भी सामान्य बच्चों से कम नहीं है। उन्होंने मूक बधिर बच्चों से अपील करते हुए कहा कि सरकार ने मूक बधिर बच्चों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए मूक बधिर बच्चे शिक्षा ग्रहण कर और योजनाओं का लाभ उठाएं। समग्र शिक्षा अभियान पलवल की ओर से आज इस कार्यक्रम में 88 बच्चों को सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं, जिनमें ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, मैजिक स्टिक, MR बच्चों के लिए मिस किट और ब्लाइंड बच्चों के लिए ब्रेल किट इसमें शामिल है। इनका उद्देश्य है जो बच्चे किसी न किसी कारण से प्रभावित हैं अपनी विकलांगता को लेकर के, उन बच्चों में को एक सहायक उपकरण दे करके उनके अंदर एक ये भावना पैदा करना कि वो भी चल फिर भी सकते हैं, दौड़ फिर सकते हैं, या मतलब उनकी सहायक उपकरणों की सहायता से अपने जो दैनिक जीवन के जो काम है उनको वो कर सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।